बिल्कुल एक 16 साल का लड़का अपने कमरे के बेड पर बैठा हुआ है। कमरे की दीवार पर पबजी का पोस्टर लगा हुआ है। राहुल अपने मोबाइल में पबजी खेल रहा है, तभी उसे किचन में काम कर रही माँ की आवाज़ आती है। ये पबजी की दुनिया से बाहर आओ और देखो असली दुनिया में क्या क्या हो रहा है। स्कूल से लगातार तुम्हारे स्टडी की खराब रिपोर्ट आ रही है। बंद करो पबजी और स्टडी करो। राहुल माँ की बातों को अनदेखा करते हुए, माँ पबजी की दुनिया में जो मजा है वो इस दुनिया में कहाँ। रुक जाओ 10 मिनट, फिर करता हूँ स्टडी। तभी राहुल के मोबाइल पर एक मैसेज दिखता है और फ्लैश होता है, पबजी बैंड इन इंडिया। राहुल के चेहरे पर हैरानियत और नाराजगी भी। हे भगवान, अब मैं कैसे जीऊंगा, मेरी तो दुनिया ही खत्म हो गई। राहुल अपना मोबाइल बेड पर फ्रस्ट्रेशन से फेंकता है। अचानक से कमरे की लाइट शुरू बंद होने लगती है। राहुल की आंखों में डर दिखाई दे रहा है। किचन में भी लाइट शुरू बंद होने लगती है। माँ भी थोड़ी डर सी जाती है, लेकिन हिम्मत जुटाकर कहती है, राहुल जरा चेक करो तो क्या हो रहा है, लगता है फ्यूज में फिर से प्रॉब्लम आ रही है। माँ को राहुल के कमरे से कुछ बहुत जोरों की गड़गड़ाने की आवाज आ रही है। माँ जल्दबाजी में राहुल के कमरे की ओर जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल दरवाजा खोलो। दरवाजा खुलता नहीं है। माँ जोर देकर दरवाजा खोलती है और अंदर जाती है, लेकिन उसे राहुल दिखाई नहीं दे रहा है। माँ घबरा जाती है। राहुल राहुल। एक घने जंगल में राहुल को होश आता है। राहुल चारों ओर चौंक कर देख रहा है, चेहरे पर थोड़ा डर और आश्चर्य है। मैं यहाँ कैसे आया, इतना घना जंगल, माँ कहाँ है, माँ माँ। तभी उसे कुछ गुरगुराने की आवाज आती है। राहुल पलट कर देखता है तो सामने उसे एक बलशाली आदमी जो कि आर्मी की पैंट पहने हुए और राहुल की तरफ बढ़ रहा है। राहुल चिल्लाता है और वहाँ से भाग जाता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। राहुल की सांसें फूल रही है। वो पेड़ की आड़ में झांक कर पीछे देखता है तो उसे वही आर्मी मैन उसकी तरफ आते हुए दिखता है, जैसे वो सिर्फ राहुल को मारना ही चाहता है। उसके चेहरे पर लगी वॉर पेंट और गुस्सेल चेहरा दिखाई दे रहा है। कौन है ये आदमी और मेरी जान का दुश्मन क्यों बना बैठा है ये, मैंने ऐसा क्या किया, हे भगवान मुझे बचाओ इससे प्लीज। तभी राहुल को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। कहाँ हो तुम, हमें नए प्लेयर्स के लिए रेडी होना चाहिए, चलो। वो आर्मी मैन गुर्राता है और वहाँ से चल देता है। राहुल को थोड़ी तसल्ली मिलती है, उसके चेहरे पर सुकून है और वो एक लंबी सांस लेता है। राहुल जंगल में चल रहा है और वो देखता है कि दूर एक कुटिया के दरवाजे से छनकर एक रोशनी आ रही है। गौर से देखने पर उसे कुटिया के ऊपर पबजी का झंडा भी दिखाई दे रहा है। राहुल उस तरफ डरते हुए बढ़ता है। हेलो, कोई है अंदर, मुझे मदद चाहिए। कुटिया का दरवाजा आहिस्ता से खुलता है। अंदर एक खूबसूरत सी लड़की पबजी के कपड़े पहने हुए एक मनमोहक हंसी के साथ राहुल का स्वागत कर रही है। राहुल देखता है कि उसके कपड़े पर बैज है जिस पर लिखा हुआ है सारा पबजी गाइड। राहुल आश्चर्य से देखते हुए पूछता है, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ और ये सब क्या हो रहा है। सारा उसे सारा मामला बता रही है। राहुल के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई है। वो थोड़ा तिल मिलाते हुए कहता है, इसमें मेरा क्या कसूर है, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज। सारा के चेहरे पर एक रहस्यमयी हंसी है। और फिर राहुल की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। सारा और बाकी खिलाड़ी राहुल को बैटल ग्राउंड पर ट्रेन कर रहे हैं। वो उसे दौड़ लगवा रहे हैं, जंप, शूटिंग, हैंड कॉम्बैट एंडी के साथ करवा रहे हैं। एंडी एक बलशाली इंसान है। राहुल को थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, पर धीरे धीरे वो एक अच्छा खिलाड़ी बनता जा रहा है। राहुल थका हुआ है पर जोश में दिखाई दे रहा है। हाँ, मैं और मेहनत करूंगा।
और अब युद्ध का दिन आ गया है। सभी प्लेयर्स युद्ध भूमि पर आ गए हैं। एंडी और सारा भी वहीं पर है। वो राहुल की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। तभी जमीन थर्राने लगती है और जमीन दो हिस्सों में पानी से बट जाती है। सभी लोग बिखर जाते हैं। सारा चिल्लाकर राहुल को सूचित करती है। राहुल युद्ध भूमि पर अपनी एक नजर डालता है और थोड़ा असहज लग रहा है, पर उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। वो हथियार और सप्लाईज इकट्ठा करता है। युद्ध शुरू हो जाता है। राहुल एक पेड़ के पीछे दुश्मन की ताक में छिपा बैठा है। लोगों की चीखे और गनशॉट्स सुनाई दे रहे हैं। राहुल मैप चेक करता है और देखता है कि सिर्फ 10 सर्वाइवर ही बचे हैं। हमें उसका आत्मविश्वास उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा है। मुझे ये जंग जीतनी ही होगी। मुझे घर वापस जाना है। मैं जीतूंगा। तभी नरेटर की आवाज आती है। राहुल सुन रहा है। अभी तो 20 मिनट भी नहीं हुए हैं, जल्दी खत्म कर दो। ठीक है भैया, लास्ट सीन में फिनिश कर देता हूँ। फाइनल सर्कल में सिर्फ राहुल और एंडी बचे हुए हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। युद्ध अपने उच्चतम शिखर पर पहुँच चुका है। आखिर में राहुल एंडी को हरा कर जीत जाता है और अनाउंसमेंट होती है, विनर विनर चिकन डिनर। हे हे, मैं जीत गया। ये हे। धीरे धीरे उसकी आंखें खुलती है। वो उठ कर बैठता है। बगल में रखे पानी के ग्लास से वो पानी पीता है, थोड़ा संभालता है। राहुल सोच में डूबा हुआ है और अपने आप से कहता है, अरे यार, ये सपना था कि हकीकत। राहुल पबजी के पोस्टर की ओर देखता है और अपना मोबाइल उठाकर उसमें से पबजी ऐप अनइंस्टॉल करता है। अपने कमरे से निकलकर अपनी माँ के पास जाता है। माँ को हग करता है। माँ उसे देखकर मुस्कुरा रही है और राहुल भी हंस रहा है। माँ उसके बालों को संवारती है। सॉरी माँ, आज से मैं आपके साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करूंगा। पबजी को अपना राम राम। राहुल और माँ ठहाका मार कर हंसने लगते हैं। क्या आपको हमारे चैनल स्पूकी स्पूकी फ्राइडे के वीडियोस पसंद आते हैं? अगर हाँ, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उन्हें हमारे स्टोरीज सबसे पहले मिलते हैं।